हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हरलीन और आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूं जिसकी ज़रूरत शायद सभी को रहती है और हम सबके माइंड में वो चलता रहता है, कैसे नेगेटिविटी से बचना है, कैसे हमें उस थॉट से बचना है जो हमारे माइंड में आ जाता है कुछ भी बुरा होते ही कि ओ माय गॉड नज़र लग गई है या फिर किसी ने कुछ कर दिया है या फिर ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है, दूसरे के साथ तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, हमारे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है जबकि हमने किसी के साथ कुछ बुरा भी नहीं किया। तो कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करें, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें हम नेगेटिविटी से और नेगेटिव लोगों से कैसे दूर रहना है, नेगेटिव लोगों के जो थॉट्स हैं उनको कैसे अपने ऊपर अटैक नहीं करने देना है या हावी नहीं होने देना है, तो उसके बारे में मैं आपको छोटा सा कुछ बताऊंगी। कोई रिचुअल, कोई रेमेडी, कोई उपाय नहीं है, आपके ब्रेन के साथ ही अटैच्ड है, आपकी ब्रेन पावर के साथ है। कैसे हम अपने आप को या अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं या अपनी लाइफ से हटा सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी। तो आप देखिएगा कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं या क्यों वो सारी पावर्स या वो सब जो प्रॉब्लम्स हैं क्या वो हमारी अपनी वजह से हमारे पास आ रही हैं या क्या हम उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे हमने कुछ सोचा कि वो लाइक कोई मेमोरी हमने पुरानी याद की जो बहुत ही सैड मेमोरी थी, तो क्या होता है उस दिन हम पूरा दिन में भी थोड़ा सा उदास रहते हैं या सैड रहते हैं। जब हम अच्छी मेमोरी सोचते हैं तो हम पूरा दिन उसी एनर्जी में चले जाते हैं, जैसे उस वक्त थे अगर हम बहुत खुश थे, वो मेमोरी देखी तो आप पूरा दिन खुश रहते हैं। आपके पास कोई पर्सन आया और उसने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, तो आप उसकी स्टोरी से अपनी स्टोरी को भी कोरिलेट करने लगते हैं कि ये तो मेरी ही स्टोरी है, ये जो बता रही है ऐसा तो मेरे साथ भी होता है। तो कैसे आप उस चीज़ को कोरिलेट करने लगते हैं, कैसे आप उसकी प्रॉब्लम सुनते ही आप अपसेट हो जाते हैं, है ना? तो ये क्यों होता है, क्या रीज़न है, कैसे हम ब्रेन की मैग्नेटिक पावर से दूसरों की एनर्जीज अपने पास हम अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने ही थॉट प्रोसेस से। तो आपको ये समझना है कि जब आप दूसरे के ब्रेन के साथ कनेक्टेड हैं, जब आप दूसरा आपको कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं या अपनी स्टोरी बता रहे हैं, तो आप एकदम से उसके ब्रेन से कनेक्शन फॉर्म कर लेते हैं कि ये तो जो भी कह रहा है ये मेरी ही स्टोरी है या मेरी ही बात कर रहा है। तो ऐसे ही जब आप किसी नेगेटिव पर्सन के साथ कनेक्शन बनाते हैं तो आप में उस पर्सन की नेगेटिविटी आएगी ही आएगी, बिकॉज कनेक्शन तो बन ही गया ना, एक ब्रिज तो फॉर्म हो ही गया, तो नेगेटिविटी तो कैच करेगी ही। अब उससे बचना कैसे है, अगर कोई आपके लिए बुरा सोच रहा है और आप भी उसके लिए सेम बुरा सोच रहे हैं तो क्या होगा, एक नेगेटिविटी का पुल बनेगा, एक ब्रिज बनेगा, उसने आपको एक बैड इंटेंशन या नेगेटिव एनर्जी सेंड की या जेलेसी की एनर्जी सेंड की या ऐसा सेंड किया कि इसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, ये लोग क्यों ऐसा काम कर पा रहे हैं, हम तो इनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है। तुमने एक एनर्जी सेंड की और आपने वापस से उसको एनर्जी सेंड कर दी सेम कि ये क्यों ऐसा हमारे को बोल रही है, ये हमारे लिए क्यों इतना बुरा सोचती है, शी इज़ द वन जो नेगेटिविटी सेंड करती है, शी इज़ द वन जो हमारे लिए बुरा सोच रही है। तो जिसने आपके लिए बुरा सोचा आपने वापस उसको वही एनर्जी दे दी, तो फिर हीलिंग कैसे होगी, आपने भी वापस वही काम किया, वही कर्मा सेंड कर दिए। तो यहाँ पे कार्मिक जो कनेक्शन है, जो कार्मिक सेटिंग है, जो कर्मास बोलते हैं, जैसा काम करोगे वैसा मिलेगा, तो आपने उनको भी वैसा ही सेंड कर दिया। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि नज़र हटाने के लिए, नेगेटिविटी दूर करने के लिए कुछ भी रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना माइंड सेट चेंज करना है। आपको कभी कोई नग पहनने को देता है, कोई धागा काला बोलते हैं कि इसे पहन लो, अभी पहनते ही आपको नज़र नहीं लगेगी, या फिर ये स्टोन पहन लो तो आपका ये प्लैनेट ठीक हो जाएगा, तो वो क्यों होने लगता है, वो पहनते ही क्यों आप प्रोटेक्टेड फील करते हैं, वो पहनने के बाद ऐसा क्यों आपके माइंड में आने लगता है कि अब मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा या वो पर्सन अब मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको उस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट है या उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट है जिसने आपको दिया। तो आप जब ट्रस्ट करते हैं, जब फेथ करते हैं, तो जो नेगेटिविटी है वो बहुत कम हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जीज बहुत बढ़ जाती हैं, बहुत टाइम्स वो इंक्रीज़ हो जाती हैं आपके अपनी एनर्जीज में। आप अपने आप को एज अ मैग्नेट
नहीं बनाई है, बिकॉज हमारा ब्रेन एक मैग्नेट की तरह है जो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, जो चीज़ों को अपनी लाइफ में ले लेता है। तो आप मैग्नेट नहीं बनिए। आप क्या कीजिए, अगर आपको लगता है कि कोई आपके लिए बुरा सोच रहा है या कोई बैड इफेक्ट है या कोई नेगेटिविटी आ रही है आपको कहीं से, तो वापस उनको आप पॉजिटिव थॉट्स देना शुरू कर दीजिए। ओके, कैसे? आप ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ मेरे को अटैक नहीं करेगी, उस पर्सन की इंटेंशन मुझे अटैक नहीं करेगी, वो जो भी मेरे लिए सोचते हैं मैं उनके लिए अच्छा सोच रही हूँ। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, अगर आप अच्छा नहीं उनके लिए बोल सकते तो आप ऐसा बोल सकते हैं, उनकी थॉट, उनकी पावर, उनकी इंटेंशन मेरे लिए काम नहीं कर रही है। आप ऐसा बोल के भी अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना सकते हैं। तो आपने करना सिर्फ इतना ही है, माइंड में सिर्फ यही लेके आना है। थर्ड आई से भी आप ये चीज़ सोच सकते हैं, जो लोग मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं, फिर दिमाग में जस्ट इतना इंटेंशन लेके आना है कि वो मेरा बुरा नहीं कर पाएगी। और जैसे ही आप ऐसा बोलेंगे और पॉजिटिव अफर्मेशन रखेंगे उस पर्सन के लिए, तो आप उसके ब्रेन में पॉजिटिव थॉट्स देना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही आप उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स देना शुरू कर देंगे, तो एक टेलीपैथिकली जो कनेक्शन बनता है, तो वो भी आपके लिए वापस से अच्छा सोचना शुरू कर देगा। और इसमें कोई भी रिचुअल नहीं है, कुछ भी आपको नहीं करना है, आपके ब्रेन की फ्रिक्वेंसीज चेंज हो जाएंगी। आपको गुड एनर्जीज क्रिएट करनी है बैड एनर्जीज के अगेंस्ट। तो जैसे ही वो बैड एनर्जी आएगी, आप उनको गुड एनर्जी सेंड कीजिए। आई नो इट्स टफ, थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसके बारे में आपको पता है कि वो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहा है, उसको अच्छी एनर्जीज भेजना थोड़ा सा टफ होता है। बट इतना भी टफ नहीं है, इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं आपको कोई ऐसा रिचुअल नहीं बोल रही हूँ कि आप ये दान कर दीजिए या फिर ये काम करिए, ये करिए। सो इट्स वेरी ईजी, जस्ट अपने ब्रेन को प्रोग्राम करना है, उसको ट्यून इन करना है, जस्ट एक लाइक चेंज करना है अपने थॉट प्रोसेस में। दूसरे को बदलने को नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि दूसरे को बदलना बहुत मुश्किल है, उसके थॉट्स को रोकना बहुत मुश्किल है। बट आप अपने थॉट में चेंजेस लाके दूसरे के थॉट को भी चेंज कर सकते हैं।